हेलो दोस्तों दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले से मैं आपको इधर तीन चार क्लिप मैंने होम्योपैथी मेडिसिन पे बताया, वो दवाएं मैंने आपको दोस्तों वही बताई जो मैंने खुद यूज़ किया। मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई अपनी पहली क्लिप, जिसमें मैंने आपको मेडिसिन के बारे में बताया कि किन किन कंडीशन से गुजरने के बाद फिर मैंने खुद ही डिसाइड किया कि अब मैं खुद ही से अपना इलाज करूँगा, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 साल परेशान हो चुका था और बहुत पैसा भी मेरा बर्बाद हुआ और उसके अलावा दोस्तों टाइम बहुत बर्बाद हुआ। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये दोस्तों, पूरा 10 साल में कैरियर पूरा रुक गया मेरा। तो मैंने खुद आपको एक एक दवाओं के बारे में मैंने एक क्लिप बना के बताया है कि अगर आपको बैक प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको अगर जॉइंट प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, और अगर स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है। मैंने उन सब टॉपिक पे आपको दोस्तों बताया। एक जो दोस्तों होम्योपैथी की जिसको कहा जाए कि वो सबसे बड़ी मेडिसिन है, जिसको मतलब मैंने उसके बारे में उतनी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन एक डॉक्टर ने ही बताया मुझको कि खुद सर हैनीमन, डॉक्टर हैनीमन का कहना था कि ये दवा जो है होम्योपैथी की सबसे बड़ी मेन दवा है। उसके बारे में कहा तो जो बंदा, जो इंसान इस दवा को रेगुलर लेता रहेगा, रेगुलर इन द सेंस कि मतलब डेली जो है 2 बूंद 3 बूंद लेता रहेगा, तो वो बीमारियों से नहीं मरेगा। जब उसकी मौत आएगी तभी मरेगा, या एक्सीडेंट में इस टाइप से, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा दोस्तों, उन्होंने कहा जो कि होम्योपैथी के जन्मदाता हैं। अब ये सोचिए कि जब होम्योपैथी स्टार्ट किया था, उन्होंने जो दवाएं उस टाइम इन्वेंट कर दिया था, आज भी वही सब दवाएं चल रही हैं। उसमें कोई अपग्रेड ये सब नहीं हुआ, हुआ भी तो उतने कारगर नहीं हुए। अब सोचिए एक बंदे ने कितनी सैकड़ों दवाएं जो है उन्होंने बनाई होंगी इसके दोस्तों। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों मेरी बताई हुई मेडिसिन से कुछ फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि मैंने आपको वही मेडिसिन बताई दोस्तों जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और उस प्रॉब्लम में मैंने यूज़ किया जो कि मैं पिछले 10 सालों से या उससे ज़्यादा से मैं उस परेशानी से परेशान था। तो मैंने उसको यूज़ किया दोस्तों, मैंने आपको वो सारी मेडिसिन बताई और कुछ और भी मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा। आप इन वीडियोज़ को तो कम से कम आप पूरी देखिए और सिम्टम्स को समझिए कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसमें इन्होंने कौन सी दवाएं यूज़ किया और हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम उसमें ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी ये प्रॉब्लम है, उस टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दोस्तों, जो कि आज ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जैसे कि बैक पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया और स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, और इस टाइप की दोस्तों जो भी प्रॉब्लम मैंने उस पर आपको बताया। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों उस दवा मेडिसिन के बारे में जो कि खुद डॉक्टर हैनीमैन ने कहा, मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन जिन डॉक्टर से मैं कंसल्ट जिनके टच में था उन्होंने बताया कि डॉक्टर हैनीमैन ने खुद कहा कि ये दवा मेडिसिन जो है होम्योपैथी की सबसे बड़ी मेडिसिन है। अगर इसको कोई इंसान रेगुलर लेता रहेगा तो वो बीमारियों से नहीं मरेगा, या तो जब मौत आएगी तब मरेगा या तो कोई और एक्सीडेंटल मौत हो जाएगी, लेकिन वो बीमारियों से नहीं मरेगा। दोस्तों आज मैं आपको के साथ उसी मेडिसिन पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो कौन सी मेडिसिन है जो कि सर हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन बता गया उसके बारे में। उस दवा के बारे में दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि आप उस दवा को रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर इन द सेंस दोस्तों कि वो एक डायल्यूशन है। मैं आपको एक क्लिप में बताऊँगा डायल्यूशन, मदर टिंचर, पेटेंट, ये सब दवाएँ क्या हैं और कैसे इनको लिया जाता है, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप डायल्यूशन, मदर टिंचर और क्या बोलते हैं जो पेटेंट दवाएं होती हैं, आप उन्हें फ़र्क नहीं समझेंगे और फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों वो जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वॉमिका, नक्स वॉम, उसको नक्स वॉम भी बोलते हैं, नक्स वॉमिका बोलते हैं। ये दोस्तों डायल्यूशन है जो कि 3630 और उसके बाद जो है और ऊपर की पोटेंसी 200 और फिर 500, 1000 CH, ये दोस्तों मेडिसिन जैसे इंग्लिश दवाएं हमारी MG में होती हैं, 50 MG, 60 MG, वैसे होम्योपैथी मेडिसिन दोस्तों जो होती हैं वो जैसे डायल्यूशन है 230 CH और 3 से शुरू हो जाती है, 3630, उसके ऊपर फिर 200। तो दोस्तों इसका अब जो मैं बताना चाह रहा था मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं इस डायल्यूशन से रिलेटेड
अगर आप पूछेंगे 6 थ्री क्या है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट एक क्लिप बना के आज मैं आपको पूरी तरह से नक्सोनिका के बारे में जो जानता हूँ मैंने यूज़ किया बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको कुछ पेट में प्रॉब्लम रहती है, कुछ खाते हैं हजम नहीं होता, गैस बन जाती है, भारी भारी से लगता है बदन, मतलब ये सब टाइप की दोस्तों प्रॉब्लम है, मतलब ये समझिए कि अगर ह्यूमन बॉडी है उसमें कोई वैसी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो ये मेडिसिन अगर आप लेते रहेंगे तो दोस्तों जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी उनको रोकेगी, प्लस बॉडी में जो हमको नहीं पता होता हमारे अंदर कोई वैसी बीमारी पनपने लगेगी दोस्तों। तो ये नक्सोनिका अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो ये उस बीमारी को बढ़ने नहीं देगी, ये उसी से लड़ती रहेगी अंदर और उसको ख़त्म करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन है नक्सोनिका, किसी भी कंपनी को लीजिए, चाहे जर्मन जैसे रेकवेग है, डॉक्टर रेकवेग है, इंडियन आती है SBL, उसके बाद एक ये इसका नाम है विलमार स्वामित इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कई कंपनीज है दोस्तों। लेकिन ये है कि अगर प्रॉब्लम आपको इस टाइम है, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये सब है, तो आप जर्मन ले लीजिए, आपको जल्द से जल्द आराम मिलेगा। और अगर आप ठीक है सब कुछ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप इंडियन ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन में वो असर नहीं होता है जो जर्मन में है। तो ये चीज़ दोस्तों ये फ़र्क है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप जर्मन की दवाएं कुछ दिन ले लें, कॉस्टली होती हैं इसलिए बहुत दिन तक अफोर्ड करना थोड़ा सा वो रहता है, बाकी इंडियन जो है वो सस्ती रहती है, 70-80 रुपये का करीब 30 ml का डायलूशन मिल जाता है, आप उसको आराम से दो ही बूंद जबान में टपकाना होता है दिन में 2 बार 3 बार, वो आपका काफ़ी नीचे चल जाती है। और यही दोस्तों डायलूशन है जो कि डॉक्टर पास जाते होंगे, वो आपको इतनी बड़ी जो है ग्लूकोज ग्लूज बोलते हैं उसको, उसकी दानों में जो है 4 बूंद टपका के वो आपको दे देते हैं। तो डायलूशन आप लीजिए, आप डायरेक्ट उसको जबान पर लीजिए, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको कुछ समझ में आया होगा नक्सोनिका का यूज़ किया है। अब पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड पेट में दर्द सा रहता हो, कुछ खाते हैं हजम नहीं होता, गैस बनती है, उल्टी सी आती है, तो ये सब इस टाइप की प्रॉब्लम जो भी हो दोस्तों, आप उसमें बेहिचक बिना कुछ समझे आप मार्केट से नक्सोनिका ले आइए, उसको रखिए अपने आसपास जो आपकी नज़र पर है, सुबह उठ के खाली पेट जवान में 2 बूंद टपका लीजिए, उसके बाद दोपहर में खाना वाना सब खाने के बाद 2 बूंद टपका लीजिए, और रात में ये चीज़ आपको 2-3 महीने करना है, उसके बाद 3 में 2 बार कर दीजिए, फिर जो 2-3 महीने करिए, 6-7 महीने 5 महीने 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद फिर 2 बूंद आपको दिन में 24 घंटे में किसी एक टाइम आप जबान में टपका लीजिए। बस दोस्तों ये आप कुछ दिन कर लीजिए, और नक्सोनिका को तो घर में आप भी लीजिए, पेरेंट्स को दीजिए, आप घर में सबको दीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो बीच में सीजनल डिजीज़ आती हैं और ये सब आती रहती हैं, ये उन सब चीज़ें जैसे रात में खासकर दोस्तों आपके शादी में गए, आपने मसालेदार चीज़ें बहुत खा ली, या ऐसे भी गए आपने खा ली, उस टाइम पर नक्सोनिका बहुत ज़रूरी है, आप आके 2-3 बूंद जबान पर टपका लीजिए, जैसे सारे लोग घर गए थे सबको आप 2-2 बूंद सबको जबान में टपका दीजिए दोस्तों। तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों, लेकिन शर्त ये अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, नहीं तो जिस जैसे हर चीज़ में फ्रॉड है वैसे मेडिसिन में भी फ्रॉड है, उठा के खाली जो है आपको अल्कोहल ही थमा देंगे। कंपनी का ध्यान रखिए, सील पैक दवाएँ लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो जर्मन लीजिए ताकि जल्दी रिलीफ मिले, और उसके बाद जब आप थोड़ा ठीक हो जाएं तो फिर आप इंडियन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी SBL लीजिए या डॉक्टर विलमा स्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आती है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है।